आज के इस वीडियो में देखेंगे आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे लिंक करें या ऐड करें आई मोबाइल ऐप में। जैसे कि अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका ट्रांजेक्शन या बिल जनरेट कब हुआ है, कब पेमेंट कर रहा है और कितना ड्यूज है वो कैसे देखेंगे। तो इस कारण से मैं अभी आपको लिंक करना बताऊंगा कि ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे लिंक करें आई मोबाइल ऐप में। जैसे ICICI बैंक का मोबाइल ऐप है उसमें लिंक करके बताऊंगा कि कैसे लिंक होता है और कैसे ऐड होता है क्रेडिट कार्ड। उसके बाद उसमें आप ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, बिल जनरेट कब हुआ है सारा देख सकते हैं, कितना अमाउंट ड्यू है, तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं आपको। तो देखिए मैं अभी जो है ओपन करूंगा ICICI बैंक का जो आई मोबाइल ऐप है मैं उसे ओपन करूंगा और इसमें सेटअप करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखिए कार्ड्स एंड फॉरेक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक में और मैंने दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो मुझे मिल गया है, अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो है कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, तो मैं अभी डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो मैं अभी डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने डाल दिया है, अपने सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है SRN नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है, कितना देर में होगा कुछ पता नहीं है। मैं देखता हूँ अभी होम पे क्लिक करके ये ऐड हुआ या नहीं। देखिए अभी तक ऐड नहीं हुआ, मैं कुछ देर के बाद ट्राई करूँगा, ठीक है। देखिए 24 घंटे के बाद मैं अभी ट्राई करता हूँ ओपन करके आई मोबाइल को। तो देखिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखिए मेरा दो कार्ड शो करने लगा है, जो मैंने लिंक किया था वो कार्ड नंबर भी यहाँ शो करने लगा है। और मैं अभी दिखाता हूँ इसे ओपन करके कार्ड को। तो देखिए यहाँ पे जो है सारा डिटेल्स दिख रहा है। मैंने सेकंड वाले कार्ड पे मैंने जो क्लिक किया, जो मैंने लिंक किया था उस कार्ड पे मैंने क्लिक किया और ये ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पे देखिए मेरा 50,000 का लिमिट दिया था और यहाँ पे मेरा देखिए लास्ट बिल जो है देखिए 10,380 रुपये है जो मेरे को पे करना था और कब पेमेंट करना है यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ। देखिए मेरे को 13 जुलाई को जो है पेमेंट करना था जो मैंने पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पे आप जो है मैनेज लिमिट पे क्लिक करके आप लिमिट को जो है अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि कितना लिमिट यूज़ करना है। जैसे कि मेरा 50,000 है तो आप किसी को अगर मोबाइल दे रहे हैं या फिर कहीं किसी को कार्ड दे रहे हैं तो वहाँ से आप लिमिट को जो है डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे 50,000 है तो आप उसको 10,000 दिखा सकते हैं कि मेरा देखिए लिमिट 10,000 है, ताकि वो दोबारा बोल ना सके कि आपका लिमिट ज़्यादा है। यहाँ से आप लिमिट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, उससे नीचे ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मैनेज कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सारा डिटेल्स दिखेगा, ATM से विड्रॉ करने का ऑप्शन, मर्चेंट आउटलेट, ऑनलाइन टैप एंड पे, और यहाँ पे देखिए मैनेज लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ से आप एक्सप्रेशन कार्ड को जो है अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोटो वाला कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेट पर ट्रांजेक्शन लिमिट, मतलब कि आप जो है डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल में ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेटअप कर सकते हैं। इसे स्किप करते हैं और फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ से देखिए अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो कन्वर्ट कर सकते हैं, EMI में ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपका कार्ड गुम गया है तो आप कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। और ऑटो डेबिट के लिए यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अब पर्सनल लोन के लिए यहाँ पे अगेंस्ट, जैसे पर्सनल लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे आपको पर्सनल लोन भी मिल जाता है, मैंने 2-3 बार लिया है। और यहाँ पे देखिए व्यू एंड मैनेज बिलिंग साइक्लिंग, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा बिलिंग साइक्लिंग जो है 25 जुलाई को है, मींस एवरी 25 तारीख को जो है बिल जनरेट होता है। तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिलिंग साइक्लिंग जो है चेंज कर सकते हैं, बट 6 मंथ में एक बार चेंज होगा ये। तो यहाँ से आप देखिए मेरा कितना डेट शो कर रहा है, 20 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख का डेट शो कर रहा है बिल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक बार चेंज किया था 6 मंथ पहले। और यहाँ से देखिए अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, लिंक कार्ड, और भी कार्ड है तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो ये है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस और ट्रांजेक्शन कैसे देखे सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैंने बता दिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पे बिल पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। करंट आउटस्टैंडिंग जो है ये आपके ICICI बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो उसी से कट जाएगा, बट मैं अभी फ़िलहाल क्रेडिट एप्लीकेशन से पेमेंट करता हूँ तो कुछ कैशबैक भी मिल जाता है 10-20 रुपये, तो मैं उससे पेमेंट करता हूँ। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बता दिया कि ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड को कैसे लिंक करते हैं और कैसे ऐड करते हैं आई मोबाइल ऐप में। और इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।